भारतीय जनता पार्टी नहीं ने कहा है कि जहां जहां राहुल गांधी गए वहां वहां तो कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है, इसको कैसे देखा जाना चाहिए अजय जी, वो भी जरा आपसे समझूंगा। लेकिन ये जरा देख लीजिए, इस समय राहुल की यात्रा जहां जहां निकली वहां तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है और कांग्रेस को वहां हार झेलनी पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। ये क्या पूरा रूट स्टडी किया गया था क्या शिवम? राहुल गांधी जहां जहां से निकले वहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को नुकसान हो गया, हार हो गई। शिवम, थैंक यू। हाँ देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो बार बार कांग्रेसी जो ये अपनी जो बंदूक है, ये जो AK-47 लिए घूमते हुए हैं, लेके घूमते रहते हैं पत्रकारों के लिए, उसका मुंह थोड़ा घुमाकर अब जो है अपने नेता की तरफ करिए। 2014, 2019, 2024 हार गए, फिर भी उनसे सवाल नहीं पूछते। अभी चुनाव से पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश हार गए, फिर भी उनसे सवाल नहीं पूछते। हिंदुस्तान की कांग्रेस की 135 साल की तीसरी सबसे बुरी हार उनकी समय में हुई, नहीं सवाल पूछते। हरियाणा में कहते थे कि 1000% जीत तो बिल्कुल मतलब प्लैटर पर रखी हुई है, हार गए। सवाल किससे? दिनेश गौतम से। सवाल किससे? मीडिया से। अरे भाई, अब आपके लिए प्रचार थोड़ी ना करेगा मीडिया जाकर, वो तो आपके नेता को ही करना है। नहीं एक्सेप्ट कर रहा कोई, उनको रियलिटी होनी चाहिए। जबरदस्ती का 99 सीटें लेकर ऐसे 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 करके वीडियो बना लेने से कोई सरकार में नहीं आ जाता। अंबाला कैंट से तस्वीरें आ रही हैं, अल्टीमेटली तो अपने पहले नेता पीछे की चल रहे थे। को देखना आपको बता दूं, इस समय जो तस्वीरें अगर आपको भी वहां दिखाई दे रही हैं तो ये अंबाला कैंट से तस्वीरें हैं अनिल विज, क्योंकि यहां जाकर इस जगह पर इलेक्शन को मैंने भी कवर किया है, तो मैंने ये देखा कि बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अंबाला कैंट की तस्वीर बदल देने का काम अनिल विज ने किया है। लेकिन यहां पर अब क्या ये भी एक, खैर अभी जल्दबाजी है, लेकिन अनिल विज और राव इंद्रजीत तो कह ही चुके हैं कि 12-14 साल में तो कूड़े के भी दिन बदल जाते हैं। पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कम से कम आलाकमान की तरफ से कि यहां तो नायब सैनी ही आगे सीएम रहेंगे, खट्टर साहब यहां सीएम रह चुके हैं लंबे वक्त तक। क्या ये बातें भी अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंथन होने लगा होगा अमित, या अभी इंतजार किया जा रहा है इस बात के लिए? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अभी निश्चित तौर पर मंथन अभी, क्योंकि नतीजे पूरे हुए नहीं हैं, अभी रुझान का समय है। लेकिन जिस तरह के रुझान भी हैं, क्योंकि ये इस बात की उम्मीद पार्टी के भीतर भी बहुत कम लोग कर रहे थे कि इतनी इस तरह के का नतीजे आने वाला है, इस तरह से कड़ी टक्कर सामने दिखेगी। निश्चित तौर पर देखिए, ये तो कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसी चीजें हुई। अजय जी, भले हम लोग के नाम पर सवाल खड़े कर दें, वो अलग विषय है। एक और बात आप अभी कह रहे थे कि देखिए ये सिर्फ हरियाणा नहीं, क्योंकि अब चुनावों में क्या हवा बदलती जा रही है इस हिसाब से चीजों को देखा जा रहा था, तो महाराष्ट्र में भी इसका असर पड़ेगा क्या, झारखंड में भी इसका असर पड़ेगा क्या? क्योंकि लोग अभी कल ही, मैं अपने दर्शकों को बता रहा था संजय राउत का स्टेटमेंट, जिसमें ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, यहाँ तो कांग्रेस जीती रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी है, और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में और झारखंड से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशखबरी नहीं आने वाली है। नहीं देखिए, मुझे लगता है कार्यकर्ता के लिए बहुत मोटिवेशनल होगा ये, क्योंकि कहीं ना कहीं 240 आने के बाद जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता था उसको लग रहा था कि उस तरह से चीजें नहीं हुई, अंदर एक निराशा वाली बात आ रही थी। पिछले 3-4 महीने से माहौल भी ऐसा लग रहा था कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि ये सरकार अब डिरेल हो गई है, नरेंद्र मोदी की सरकार डिरेल हो गई है, इनको फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। तो ये निराशा से बाहर निकलने के लिए एक बड़ा रोल प्ले करेगी अगर यही नतीजे रह जाते हैं बीजेपी के हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा का ये नतीजा आते ही, क्योंकि सब लोग लगभग मान के चल रहे थे कि मध्य महाराष्ट्र और हरियाणा ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी नहीं, 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 ये बात मैं समझना चाहता हूं। क्या केजी सुरेश, क्या एक मोमेंटम बनता है असेंबली इलेक्शंस में भी एक के बाद एक देखने को मिलता है, या हर जगह की अलग परिस्थितियां होती हैं और वहां तक उसको कन्फाइंड रखना चाहिए? देखिए, मैं तो कम से कम समझता हूं कि हर स्टेट का अलग विषय होता है, विधानसभा और लोकसभा के साथ भले परसेप्ट